दिल में अगर हो उम्मीद, पत्थर भी पिघलते हैं। दूर किनारे मिलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं। तेरी चिंता होने लगी है, ये डर सता रहा है कि कहीं ये लड़की भवानी को पाने की रेस में शामिल ना हो जाए। दीदी ठीक कह रही है, ये लड़की सुंदर भी है, कहीं ऐसा ना हो कि भवानी इसके रूप के जाल में फंस जाए। क्या नाम है उसका, उस लड़की का? आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, कौन है वो सीन लड़की? भाभी आप इतना भाव क्यों खा रही हैं, बोलिए ना। देखा, मैं ना कहती थी कि इन सब में ना शालिनी दीदी की कोई ना कोई चाल है। कैसे कल की आई हुई लड़की को भवानी के पीछे लगा दिया, खाना भिजवाया जा रहा है, बताओ। भवानी तो आ रहा होगा नीचे खाना खाने, लेकिन शालिनी दीदी उन्होंने रोक लिया होगा ताकि वो बाद में चित्रा को खाने के बहाने भवानी के कमरे में भेज सके। सभी के सभी ना मेरे जीते जागते अरमानों पर पानी फेरने पर तुले, और तू सोई हुई है। उठ जाग बहना, वरना छीन जाएगा तेरा चैना। आप भी ना दिल का तार बना देती हूँ। अरे एक दिन कोई खाना लेकर क्या चला गया, आपने तो पूरी की पूरी कहानी सुना दी। भगवान ने तुझे अच्छी सूरत तो दी है, पर दिमाग देना ना भूल ही गया। अरे मेरी बहना, एक दिन से ही शुरुआत होती है, बाद में ये एक एक दिन मिलकर ना महीनों में गुजर जाते हैं, और फिर उसके बाद पछताने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं बचता। बस करो दी, इतना नेगेटिव, अरे हाथ धोती है नेगेटिविटी के। और आप ये थॉट्स लाती कहाँ से हो? आप ना बस एक बात याद रखो कि मेरी जो जगह भवानी के दिल में है, ये चित्रा उसे पूरी जिंदगी गुजार देना तब भी नहीं बना सकती। तुम ना बुद्धू की बुद्धू ही रहेगी, जमाने की बात छोड़, और जो नजर के सामने है ना उसके बारे में कुछ करने की सोच। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस ना किसी दिन तुझे ले डूबेगा। अब तक तो बात शादी तक पहुंच जानी चाहिए थी, और तू इंतजार कर रही है, इंतजार में वक्त गंवा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझसे कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं काम करती हूँ ना, मैं ये लेटर खुद जाकर भवानी को दे ही देती हूँ, समझे? नहीं दी, अब ये लेटर देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने अंदर के डर को पूरी तरह खत्म कर लिया। अब मैं खुद जाकर भवानी से अपने प्यार का इजहार करूंगी। हाँ दी, मैं खुद जाऊंगी, बहुत हो गया ये इंतजार, अब नहीं। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब प्यार किया तो डरना क्या और छुप छुप कर आहें क्या भरना। अब वक्त आ गया दी भवानी के सामने जाकर उसे अपने दिल की बात बताने का। ओहो मेरी बहना, मैं तो तुझ पे वारी जावा।
क्या बात कही है तूने? पर हाँ दीपिका, फटाफट तो जाकर ना अपने दिल की बात बयां कर दे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, और देर नहीं होनी चाहिए। सी, चिल करो आप। अब मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने से कोई नहीं रोक सकता, और आप देखना अब भवानी मेरा होकर रहेगा। अब दी, ये लेटर मैं रख लेती हूँ, क्या पता इमरजेंसी में काम आ जाए। तू भी ना, अच्छा ध्यान रख, अब ना भवानी को जीतने के लिए दो टीमें हो गई हैं, पहली टीम तेरी और मेरी, और दूसरी टीम शालिनी दीदी और चित्रा की। देख, किसी भी हाल में ना ये दूसरी टीम जीतनी नहीं चाहिए, और तुझे अपना पूरा ध्यान और पूरी कोशिश अपनी टीम को जिताने में लगाना है, समझी? समझ गई। यहाँ यूँ अकेले में क्यों खड़ी हो अंजलि? दीदी, अंजलि नहीं, चित्रा। ओह, सॉरी सॉरी चित्रा। वो क्या है ना, प्रेरणा ने जब से मुझे तुम्हारी कहानी बताई है, मुझे तो तुम में ही अंजलि नजर आती है, क्योंकि मैंने तो अंजलि को कभी नहीं देखा। नया चेहरा पुराना चेहरा क्या है, मेरे लिए तो एक ही चेहरा है, अंजलि और चित्रा। शुक्रिया किसी ने देखा नहीं, वरना सब गड़बड़ हो जाता। तुम फिक्र मत करो, कभी कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगी, कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में तो भगवान खुद सारथी बन जाता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो और उसे जीतो भी। मैं तो हमेशा कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, एक बड़ी बहन की तरह। थैंक यू दीदी, आई नो कि आप मेरे साथ हो, तभी तो मैं इस घर में आ पाई हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे भी मेरे साथ रहोगे। एक बात कहो। हाँ कहो। सच कहो तो मुझे आप पर तो पूरा विश्वास है, शायद अपने आप पर उतना नहीं। दीदी, अगर कभी मैं अपने लक्ष्य से डगमगाऊं या कमजोर पड़ जाऊं, तो प्लीज आप मुझे सहारा देना, गाइड करना, क्योंकि प्रेरणा दी और आपके अलावा अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन? बाबा तो रहे नहीं, पता नहीं अब। बस तुम चिंता बिल्कुल मत करो, और बिल्कुल भी मत घबराओ, और जरा खुश रहा करो। हैप्पी हैप्पी, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, आखिरी बार। आपसे बात करनी थी। किस बारे में? उस लड़की के बारे में जिसे आपने उस घर में रख दिया। उस लड़की को लेकर क्या परेशानी है? माँ, आपने उस पर ना इतिहास जाना, ना भूगोल जाना, बस रख लिया उसे, ऐसे थोड़ा होता है। लेकिन शालिनी उसे अच्छी तरह से जानती है, उसकी सहेली की बहन है वो, लड़की बहुत अच्छी है। और शालिनी भाभी को बहुत अच्छी तरह जानती है, वो इतनी भोली है कि कोई भी उन्हें बहला फुसला कर ना धोखा दे सकता है, और किसी के मुंह पे लिखा नहीं होता कोई अच्छा आदमी बुरा आदमी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा प्रताप? हमारे दुश्मनों की कमी है कि यहाँ पे, बताइए ना मुझे। प्रताप, तू बेवजह परेशान हो रहा है,
अंजलि का परिवार तो नहीं रहा, तो अब कौन हमारा दुश्मन बन सकता है? माँ देखिए, बात दुश्मनी की नहीं है। देखिए हमारा रुतबा है, हम पॉलिटिक्स में हैं, इतने सारे बिजनेस चलते हैं हमारे, ऐसे भी तो हो सकता है कोई अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर देने के लिए आया हो या चोरी के इरादे से आया हो। इसे मैं कह रहा हूं उसे खुद जल्दी उसे घर से बाहर निकाल दिया। प्रताप, तुम्हारी चिंता जायज है, हमें भी यही लगता है कि कुछ जल्दबाजी हुई है। ठीक है, हम शालिनी से बात करेंगे, लेकिन दूसरी चिंता की बात यह है, दादी माँ जब उसे यह पता चलेगा कि यह लड़की हमारे साथ यहां इस घर में रह रही है तो बहुत नाराज हो जाएंगी। दादी का स्वभाव तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, हजारों सवाल करेगी, वो अलग, कौन है ये लड़की, कहां से आई है, किस बिरादरी की है वो। मैं इसे तो कह रहा हूं कि उसे अच्छी तरह से परख लीजिए, नहीं तो दादी माँ को कहीं से भी कोई कमी नजर आ गई ना उसमें तो आपको बहुत कुछ सुना देगी वो। वो तो ठीक है प्रताप, लेकिन शालिनी को बुरा लगेगा, ऐसे कैसे इस लड़की को हम घर से बाहर निकाल देंगे? हाँ, किसी को बुरा लगता है उसकी वजह से हम अपनी पूरी फैमिली को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते ना माँ, ये ना कि हम अच्छा करने जाए और बुरा हो जाए। इसे मैं करूँ जल्द से जल्द से बाहर निकालिए आप। ठीक है, हम शालिनी से बात करेंगे। अगर चित्रा को लेकर इस घर में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो हम उस लड़की को वापस भेज देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चित्रा को लेकर इस घर में कोई बवाल हो। लेकिन प्रताप, तुम अपने काम पर ध्यान दो और जल्द से जल्द वो रिजॉर्ट का काम शुरू कर लेना। इस घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ हम संभाल लेंगे। ठीक है मां, चलता हूं। चित्रा, कैसा लग रहा है इस घर में तुम्हें? दीदी, मेरे लिए घर नया है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। सही कहा तुमने, घर नया है, लोग नए हैं, तो एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा ना। लेकिन फिर तुम बहुत समझदार हो, घर के लोगों को बहुत जल्दी अपना लोगी, वो तुम्हें अपना लेंगे, फिर देखना इस घर में तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा। सही कहा दीदी आप। दीदी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्यों नहीं। पर आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? तुम कोई भी बात मुझसे बेझिझक पूछ सकती हो। दीदी, वीरेंद्र जी ने आपको क्यों छोड़ दिया? बस ये समझ लो कि दूसरों की गलतियों की सजा भुगत रही हूं मैं, या फिर किस्मत का दोष है। लेकिन दीदी, ये तो गलत है ना, किसी और की गलती की सजा आपको क्यों मिले? आपने कभी उनको समझाने की कोशिश नहीं की? पर दीदी, वो कौन है जिसकी वजह से आपको आपके पति से जुदाई का दर्द सहना पड़ रहा है? बड़े बड़े घरों की दीवारों के पीछे बहुत से राज दफन होते हैं चित्रा, और हंसते हुए चेहरों के पीछे बहुत सी सिसकियां। यहाँ की हर चीज में एक राज छिपा है, उसे जानने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तुम अपने मिशन पर लगी रहो, तुम्हें अपना मकसद तो याद है ना? कैसे भूल सकती हूँ अपना मकसद? अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, ठाकुर परिवार की बर्बादी।
जानते हो इस चेहरों के पीछे बहुत सी सिसकियां। तुम ये समझ लो कि उन सिसकियों में से मैं एक हूं। किसी और को तो बदल नहीं सकती मैं, खुद को तो बदल सकती हूं ना, और ऐसे ही जीती हूं मैं। दीदी आपकी सोच कितनी अच्छी है, बाकी आजकल लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, और आप हो कि दूसरों की गलती की सजा भुगत रहे, लेकिन दोष किसी को देना नहीं चाहते। फोन है, उठा लो ना। कुछ नहीं दीदी, वो कस्टमर केयर वाले बेवजह परेशान करते रहते हैं। सॉरी, मैंने आपका फोन कट किया क्योंकि शालिनी मेरे साथ थी। कोई बात नहीं चित्रा, ये बताओ कैसा लग रहा है नए घर में? सच बताओ दीदी, बड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे आप किसी अनजान जगह पे गए हो। यहाँ की हर चीज में एक राज छिपा है, उसे जानने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, तुम अपने मिशन पर लगी रहो। तुम्हें अपना मकसद तो याद है ना? कैसे भूल सकती हूँ अपना मकसद? अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, ठाकुर परिवार की बर्बादी। शाबाश चित्रा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ठाकुर परिवार की नस नस से अच्छी तरह वाकिफ हो जाओ, फिर देखो तुम्हारी मेहनत कैसे रंग लाती है। और जो अपने मिशन को याद रखता है, कामयाबी उनके कदम चूमती है। इंसान की पहचान तो उसका चेहरा ही होता है, मेरा तो चेहरा ही बदल गया, अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा। है कौन तुम्हें पहचानने वाला? तेरे पिता की भी मौत हो चुकी है, अब तो बस तेरे दुश्मन है। वो लोग भी तुझे ना पहचाने तो ही बेहतर होगा। तुम्हारी असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। बस इस बार तुम्हारी लड़ाई का तरीका बदलना होगा तुम्हें। कलयुग में छल का जवाब छल से दिया जाता है। कोर्ट, मुकदमा, ये सब पुराने तरीके हैं। मैं तुम्हें लड़ाई का नया तरीका बताऊंगी, नया जमाना, नया तरीका। तुम्हें बदला लेना है, मत भूल, बदला बदला और सिर्फ बदला। जिन लोगों ने तुम्हारी ये हालत की है, तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर किया है, उन्हें इसकी सजा तो देनी होगी। उनको बर्बाद करने के लिए तुम्हें उनके घर में घुसना होगा। उनके घर में घुसे बिना तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। कैसे हम किसी की जिंदगी को बर्बाद कर दें? ये मुझसे नहीं हो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाबा और कविता की आत्मा को शांति मिले, तो
तो उसके लिए तुम्हें बदला तो लेना ही होगा। मैं अपनों की मौत का बदला जरूर लूंगी। इतनी आसानी से बोल दिया कि नहीं हो पाएगा। इसका मतलब तुम्हें अपनों की कुर्बानी याद नहीं। कविता, बाबा, मनोहर, इन लोगों की कुर्बानी का बदला लेना है तुम्हें। मत भूलो, मत भूलो कि आज तक तुम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए भी तुम्हें सिर्फ दुख मिले हैं। मनोहर ने भी सच का रास्ता चुना था। क्या हासिल हुआ? वही हाल कविता और बाबा का भी हुआ। कोई आपके साथ बुरा करते जा रहा हो तो सच्चाई के साथ आप नहीं जीत सकते। जीतने के लिए आपको बुरा करना पड़ेगा। प्यार और जंग में सब जायज, इसलिए जंग जीतने के लिए लड़ी जाती है, चाहे तरीका कैसा भी हो। जीत तो आप ही की होनी चाहिए। जब युद्ध होता है ना, तब दुश्मन पर वार करने के लिए मन कठोर करना पड़ता है। युद्ध में लड़ने वाले सभी योद्धा दया का भाव नहीं दिखाते। अंजलि, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाबा और कविता की आत्मा को शांति मिले तो उसके लिए तुम्हें बदला तो लेना ही होगा। मैं अपनों की मौत का बदला जरूर लूंगी। उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब से तुम्हारी नई शुरुआत होगी और वो भी नई पहचान के साथ। दुनिया आज से तुम्हें चित्रा के नाम से जानेगी। अब से तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद होगा, ठाकुर परिवार की बर्बादी। शकुंतला के परिवार का मान सम्मान, धन दौलत, सुख शांति सबका खात्मा करना होगा तुम्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम तुम्हारी दादी की धार्मिक यात्रा तो समाप्त हो गई। देर से ही सही, हमारी याद तो भाई, लेकिन प्रताप, उनके आने से पहले उनकी जरूरत की सारी चीजें हमें तैयार रखनी होगी। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, मैं सारे अरेंजमेंट कर दूंगा ताकि घर में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो। अच्छा, मैं एक बात पूछनी थी, वो शालिनी भाभी से बात हुई इस लड़की के बारे में? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या कह रही है। खुल के बताना कि हुआ क्या है।